Very good morning to my all dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes and doing very well at your studies. Today I'm going to explain you chapter 7, the last leaf from your book, Moments. First of all, I would like to tell you something about the author O. Henry. It is his pen name and his original name was William Sidney Porter. He was born on 11th of September 1862 and he was born at Greensboro, North Carolina, US, United States. He died on 5th June 1910 in New York, again United States. This last leaf is a story about two girls, Jonesy and Sue. There's third character is Berman, the painter. These two girls were friends and they were budding artists. They were painters. They were living together. Once, Jonesy fell seriously ill. She had pneumonia and she was about to die because she thought that she would die. And Berman saved her life by painting the last leaf on the ivy. This is the story about hope and sacrifices. So now I'm going to explain you this story line wise. Sue and Jonesy, the two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue और Jonesy जो दो young artist थे ये एक छोटे से फ्लैट में साथ में रहते थे, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. और जो फ्लैट था वो थर्ड स्टोरी तीसरी मंजिल पर था एक पुराने से घर के. Jonesy fell seriously ill in November. नवंबर के मंथ में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई Jonesy. She had pneumonia. उसको निमोनिया हो गया था. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. वो अपने बेड में अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी बिना हिले डुले. करती क्या थी? जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो मीन्स लगातार वो विंडो के बाहर गेज करती थी, देखती रहती थी. सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. उसकी फ्रेंड सू को बहुत ज़्यादा चिंता होती थी. शी सेंट फॉर हर फॉर द डॉक्टर. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉनसीज कंडीशन. उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर रोज़ आते थे लेकिन सू जॉनसी की कंडीशन में कहीं कोई चेंज नहीं था. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर इज एनीथिंग वरिंग जॉनसी. एक दिन डॉक्टर ने सू को अलग ले जाकर के पूछा कि क्या जॉनसी को कहीं कोई चिंता है. नो रिप्लाइड सू. बट वाई डू यू आस्क. सू ने कहा कि नहीं लेकिन आपने ये क्यों पूछा. The doctor said, Jonesy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. Doctor ने कहा कि ऐसा लगता है, it seems, कि Jonesy ने अपना mind बना लिया है, अपने मन में ये सोच लिया है कि वो ठीक नहीं होने वाली है. और अगर वो खुद ज़िंदा नहीं रहना चाहती तो मेडिसिंस दवाइयाँ विल नॉट हेल्प हर, उसकी मदद नहीं कर सकती. सो ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉनसी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉनसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. सू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की कि जॉनसी उसकी बातों में इंटरेस्ट ले और दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट ले, लेकिन ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला.
उसने सू ने बातें की कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, लेकिन जॉनसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। शी डिड नॉट रिस्पॉन्डेड। जॉनसी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉनसी लगातार अपने बेड पर पड़ी रही, लेटी रही। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन टू जॉनसीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। सू अपना ड्राइंग बोर्ड उसके कमरे में ले आई और पेंटिंग शुरू कर दी। टू टेक जॉनसीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। और जॉनसी का जो माइंड था उसकी बीमारी से हटाने के लिए उसने सीटी बजाई जब वो काम कर रही थी, पेंटिंग कर रही थी। शी स्टार्टेड विस्लिंग। सडनली सू हर्ड जॉनसी विस्पर समथिंग। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉनसी आउट काउंटिंग बैकवर्ड्स। सडनली अचानक से सू ने सुना कि जॉनसी कुछ विस्पर कर रही थी, धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। शी क्विकली रश्ड, वो फौरन उसके बेड के पास गई जल्दी से और जॉनसी को सुनने लगी। तो उसने क्या सुना? जॉनसी काउंटिंग बैकवर्ड्स। जॉनसी उल्टी गिनतियाँ गिन रही थी। वाई? शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। सू एंक्शसली लुकड आउट ऑफ द विंडो। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। तो उसने सुना और देखा कि जॉनसी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो बाहर देख रही थी विंडो के, एंड वॉज सेइंग 12। थोड़ी देर के बाद उसने कहा 11, फिर कहा 10, फिर 9, 8, 7। तो सू ने उत्सुकता से, एंक्शसली बाहर देखा विंडो के, तो उसने देखा कि एक पुरानी सी बेल, आईवी क्रीपर, उनके सामने, उनके विंडो के सामने जो अपोजिट में वॉल है उस पर आधी दूर तक चढ़ी हुई है, आधी ऊंचाई तक। और इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव। और बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी तो उसमें वो क्रीपर की पत्तियां एक एक करके गिर रही थी। वॉट इज इट डियर? सू आस्क्ड। ये क्या है? सू ने पूछा। सिक्स विस्पर जॉनसी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। तो सू ने कहा, सॉरी, जॉनसी ने बताया कि ये अब बहुत तेज़ी से गिर रही हैं, मीन्स पत्तियाँ गिर रही हैं। 3 दिन पहले यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट 100 लीव्स वर देयर, लगभग 100 लीव्स थी, और अब सिर्फ 5 बची हैं। इट इज़ ऑटम, सेड सू, एंड द लीव्स विल फॉल। सू ने कहा कि ये ऑटम सीजन है और लीव्स तो गिरेंगी। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉनसी विद फिनेलिटी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और जॉनसी ने बताया कि जब लास्ट लीव गिर जाएगी तब मैं मर जाऊंगा जाऊंगी, आई विल डाई। और ये मुझे पिछले 3 दिनों से पता है। ओ दैट्स नॉन सेंस, रिप्लाइड सू। वॉट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। उसने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी है। किसने? सू ने। सू ने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, और ये जो आईवी लीव्स हैं इनका तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है, और डॉक्टर को पूरा यकीन है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, यू विल गेट बेटर। जॉनसी डिड नॉट से एनीथिंग। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। जॉनसी ने कुछ नहीं कहा, सू ने जा कर के उसके लिए एक सूप की बाउल लेकर आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉनसी। आई एम नॉट हंग्री नाउ, देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। जॉनसी ने कहा कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे कोई भूख नहीं लगी है, और अब सिर्फ 4 लीव्स बची है, और मैं चाहती हूँ कि ये चौथी लीव, चारों लीव्स अंधेरा होने से पहले गिर जाएं, जिससे कि मैं हमेशा के लिए सो सकूँ।
Sue sat on Jonsi's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Jonsi, "promise not to look out of the window while I paint." तो सू ये सारी बातें सुन करके थोड़ी परेशान हो गई एंड शी सेट ऑन जॉनसीज बेड और उससे कहा कि तुम मरने नहीं जा रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं ये जो कर्टन है इनको गिरा नहीं सकती हूँ, मीन्स विंडो को कवर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए और मुझे मैं चाहती हूँ कि ये पेंटिंग फिनिश हो जाए जिससे कि मुझे कुछ पैसे मिल जाए. एंड शी सेड कि माई डियर फ्रेंड, तुम प्रॉमिस करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट कर रही हूँ. ऑल राइट सेड जॉनसी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. जॉनसी ने कहा, ऑल राइट ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग बहुत जल्दी फिनिश करो और मैं उस लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ. मैं थक गई हूँ वेट करके, मुझे मरना, आई हैव टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरना है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, और इसलिए मुझे शांति से जाने दो जैसे जैसे वो बेचारी थकी हुई पत्तियाँ चली गई. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Berman up to be my model. उसने कहा कि तुम सोने की कोशिश करो. सू ने कहा जॉनसी से कि तुम सोने की कोशिश करो. मुझे एक बूढ़े माइनर की फ़ोटो बनानी है. माइनर मीन्स जो माइन में काम करते हैं. एक बूढ़े माइनर की फ़ोटो बनानी है, पिक्चर पेंट करनी है, तो इसलिए मैं बहरमन को बुलाकर ला रही हूँ जिससे कि वो मेरे मॉडल बन सके और उनको देखकर मैं पेंट कर सकूँ. ही वॉज अ 60-year-old painter. शी रश्ड डाउन. बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. वो लोग थर्ड फ्लोर पर रहते थे, बहरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे. ही वॉज अ 60-year-old painter. वो 60 साल के थे और पेंटर थे. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उनका जो पूरे जीवन का एक सपना था कि वो एक masterpiece, means जिसके जैसा कुछ और ना हो, ना उसके पहले बनाओ ना उसके बाद बने, एक ऐसा masterpiece वो पेंट करना चाहते थे, लेकिन वो एक सपना ही रह गया था. Sue poured out her worries to Berman. सू ने अपनी सारी जो चिंताएं थी जॉनसी को लेकर के वो बर्मन से बताई. शी टोल्ड हिम हाउ जॉनसी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल. उसने बताया कि किस तरीके से जॉनसी ने मान लिया था कि जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी वो भी मर जाएगी. इज शी स्टूपिड, आस्क्ड बर्मन, हाउ कैन शी बी सो फूलिश. कि क्या वो बेवकूफ़ है, बर्मन ने पूछा, और वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है. शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट सू. शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड देन वरीज़ मी अ लॉट. उसको बहुत तेज़ बुखार है, वो कुछ भी खाने और पीने से मना कर रही है और इसलिए मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है. आई विल कम विद यू एंड सी जॉनसी, बहरमन सेड. मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉनसी को देखता हूँ. They tiptoed into the room. Jonsi was sleeping. Sue draws the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and the icy cold wind was blowing. They tiptoed. Tiptoed means बहुत धीरे धीरे, जिससे पैरों की आहट ना हो, इस तरीके से वो रूम में आए. Jonsi सो रही थी. Sue ने चुपचाप curtains डाल दिए और दूसरे रूम में चले गए वो दोनों. इसके बाद सू ने बाहर खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि सिर्फ एक लीव बची है क्रीपर के ऊपर और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बर्फीली हवाएं चल रही है. इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ. और ऐसा लग रहा था कि जो लीफ थी वो किसी भी मिनट गिर सकती थी. बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड. ही वेंट बैक टू हिज रूम.
बहरमैन ने कुछ नहीं कहा और वो अपने रूम में वापस चले गए. जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस. शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स. सू वॉज नर्वस. शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलकेंटली. जॉन्सी अगले दिन सुबह जागती है और एक बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में, फीबल वॉइस में, उसने सू से कहा कि ये कर्टन्स हटाओ. और सू बहुत ज़्यादा नर्वस थी, उसका मन नहीं था, लेकिन उसने कर्टन्स को हटा दिया. ओ, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर. लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर. सू ने जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाया, वो बहुत खुशी से चिल्लाई और उसने कहा कि देखो वहाँ पर अभी भी एक लीफ क्रीपर के ऊपर है. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म द एंड द फायरस विंड्स. इट डिडंट फॉल. तो उसने दिखाया कि देखो वो पत्ती बहुत ज़्यादा ग्रीन है और हेल्दी लग रही है, और इतने बड़े तूफान और बहुत तेज़ हवाओं के साथ के बाद भी वो नहीं गिरी. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई. उसने कहा कि कल रात मैंने हवाओं की आवाज़ तो सुनी थी और मुझे लग रहा था कि ये गिर जाएगी, और कोई बात नहीं, आज तो ये श्योरली गिर जाएगी और उसके बाद मैं मर जाऊंगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल एक्सप्लेन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इन नेक्स्ट पार्ट. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.